आज के वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है जिनको इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना नहीं आता है। बहुत सारे ऐसी जगह है जहां पे जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र जो मांग दिया जाता है, जैसे आप CSE सर्विसेज के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वहां पे भी आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र मांग दिया जाता है। और इस सिचुएशन में आपके पास नहीं होता है तो वहां पे जो है आपका फॉर्म फिलअप नहीं होता है। सो गाइस, मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज़ पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा किस तरीके से आप घर बैठे आप अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से आप इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र के लिए कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको कहीं भाग दौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो है दुकान में या साइबर कैफे में जाके आपको लंबी लंबी लाइन लगा के वहां पर पैसा खर्च करके आपको इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको ब्लॉक में भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से आय प्रमाण पत्र के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे यूजर्स हैं जिनको इनकम सर्टिफिकेट कैसे ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है वो उसको पता ही नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र के लिए आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, दुकान पे भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस सिचुएशन में जाते हैं दुकान वाले के पास तो वहाँ पे आपको 100 रुपीज़ तक का आपको चार्ज कर देता है और वो आपको देना पड़ता है। आप ये वीडियो देखने के बाद अच्छी तरीके से सीख जाएंगे कि किस तरीके से इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। तो इस वीडियो को आपको कम्प्लीटली देखना होगा तभी आप ये सीख पाएंगे कि किस तरीके से घर बैठे आप अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से आप किस तरीके से इनकम सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Shut up and sit down. आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको इस पेज पे आना पड़ेगा। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ या आप ब्राउज़र में टाइपिंग कर लीजिएगा। यहाँ पे जो भी स्टेट से उसका स्टेट का नाम डाल दीजिएगा, इसके बाद डाल दीजिएगा ऑनलाइन। जैसे आप मैं भी यूपी से तो यहाँ पर मैं डाल दूँगा UP, इसको डाल देना ऑनलाइन डॉट डाल दीजिए .nic.in। जैसे इसको आप क्लिक कीजिएगा आपको इस पोर्टल पर लेके आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण अपनाना पड़ेगा जिससे आप यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हो। तो चलिए सिंपली हम यहाँ पर क्लिक करके एक आईडी बना ले रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपका कुछ इस तरीके से ये लॉगिन आईडी ओपन का ये पेज ओपन होकर आ गया छोटा सा। आपको क्या करना, पहले लॉगिन आईडी बना लेना। जैसे यहाँ पर कोई भी नाम डालिएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर कोई नाम डाल देता हूँ तो यहाँ पर आपको इसको जाँच भी करना पड़ेगा कि ये नाम प्रबंध है या नहीं। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे फुल बंद की जांच करके ओके करता हूँ। तो देखिए क्या बता रहा है, ये देखिए लॉगिन आईडी अकाउंट में पहले से ही मौजूद है तो ये नहीं है, इसलिए हमको यहाँ पर दूसरा डालना पड़ेगा। यहाँ पर मैं दूसरा डाल लेता हूँ, इसलिए मैं दूसरा यहाँ पर डाल लिया। इसके बाद यहाँ मैं जाँच पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए ये क्या बताता है, तो उस हिसाब से ये मेरा हो जाएगा। देखिए यहाँ बोला लॉगिन आईडी उपयोग हेतु है, तो ये मेरा लॉगिन आईडी हो गया है। तो सिंपली हमको कर देना है ओके। इसके बाद यहाँ आवेदक का नाम डालना है, जो भी आवेदक का नाम है इसके जन्मतिथि यहाँ पर इसको डालना है। यहाँ से इसका ईयर चूज कर लेना है, यहाँ मंथ वगैरह चूज कर लेना है। यहाँ से इसका लिंग चूज कर लेना, जो भी लिंग है महिला पुरुष जो भी है। इसके बाद इसका वैसे पता यहाँ डालना है, यहाँ पिन कोड डालना है। इसके बाद यहाँ जिले का चयन कर लेना है कि कौन सा जिले से है, तो वो चेंज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ मोबाइल नंबर मांग रहा है, यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दिए। इसके बाद यहाँ पर आप बोल रहा है कि मेल आईडी, अगर कोई मेल आईडी है तो यहाँ मेल आईडी आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि आपको सुरक्षा कोड जो ये कोड है कैप्चा, उसको इसमें डालकर आपको सुरक्षित करे को ओके कर देना है। तो यहाँ देखिए ये बोला कि पंजीकरण सफलतापूर्वक हो गया है और OTP आपके पंजीकरण जो मोबाइल नंबर दिए हैं उस पर आपको भेज दिया गया है। सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जाकर लॉगिन वाले पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर जो आपको यूजर आईडी चूज किए हैं वो डालना पड़ेगा। इसका जो आपके पास मोबाइल पर OTP आया है वो डालना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ से जो कोड है ये डाल के यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। तो ये मेरा देखिए यहाँ पर हो गया है।
लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। या आप देख रहे हैं मुख्य पेज, तो यहाँ से आप लॉगिन हो सकते हैं। चलिए हम यहीं से लॉगिन हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये कुछ इस तरह से ये ओपन हो के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर यूज़र आईडी जो आप चूज किए हैं वो यूज़र आईडी को यहाँ डालना पड़ेगा। आपके मोबाइल नंबर जो मोबाइल नंबर दिए थे उसका ओटीपी आपको यहाँ डालना पड़ेगा। ये कैप्चा यहाँ पर डाल के यहाँ पर सबमिट कर देना है आपको। जैसे मैं वहाँ पर क्लिक किया तो ये बोल रहा है कि यूज़र नेम, ओटीपी, नया पासवर्ड यहाँ बदले और पासवर्ड दोबारा डाल के यहाँ पे आपको पासवर्ड बदले पे आपको क्लिक कर देना है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पासवर्ड की न्यूनतम लंबाई जो आपको 8 करेक्टर से ज़्यादा होना चाहिए। और यहाँ देख रहे हैं कि आपको जो पासवर्ड चूज कीजिएगा उसमें आप कुछ कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई स्पेशल करेक्टर और कोई नंबर आपको होना चाहिए, तब ये पासवर्ड आपका सही से जनरेट हो पाएगा। तो सिंपली आप यहाँ पर डाल दीजिए। तो यहाँ पर आपको ओटीपी डालिए, जो भी ओटीपी आया था तो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद नया पासवर्ड यहाँ से करेक्ट बना लीजिए, जो मैं यहाँ पर बताया हूँ तो उसी हिसाब से आप यहाँ पर बना लीजिए। चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको लिखा रहा है कि पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, तो आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो गया है। इसके बाद आप जाइए वापस। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि आप यूजर नाम जो था वो डालिए, पासवर्ड जो जनरेट किए हुए ये कैप्चा कोड डाल कर यहाँ से आपको सबमिट पे ओके कर देना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये आपका ओपन होके आ गया है। इसके बाद यहाँ से आप पासवर्ड को सेव भी कर सकते हैं और ये निवर, तो चलिए हम निवर कर देते हैं। इसके बाद आप देखिए कुछ इस तरह से ये आपका ओपन होके आ गया, बोल रहा है कि ऑनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल, और यहाँ पर आपका ये पूरा गाइडलाइन यहाँ पर दे दिया है। तो आपको ये पोर्टल ओपन हो गया है, तो आप यहाँ से बहुत सारे काम कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं आवेदन करें, आवेदन करके क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरह से ये ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी, यहाँ पर देख सकते हैं कितने आप आवेदन कर सकते हैं, जैसे आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग, तो यहाँ से बहुत सारे है जो भी यहाँ से आप प्रमाण पत्र को ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से चलिए हम इनकम सर्टिफिकेट चूज करेंगे। चूज करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कुछ इस तरह से ये ओपन होकर आ गया है। तो यहाँ देख रहे हैं कि आय प्रमाण पत्र के आवेदन के लिए हम बोल रहा है, तो यहाँ आय प्रमाण पत्र आवेदन के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपका ये एक फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। यहाँ से आप चूज कर लेंगे क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र है या नागरिक क्षेत्र, तो यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ देखें प्रार्थी का नाम, जिसका नाम से आप ये बन रहा है प्रमाण पत्र, उसका नाम यहाँ डालेंगे। उसके पिता पति का नाम यहाँ से डालेंगे, जो भी है यहाँ से उसको चेंज करते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ माता का नाम यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद वर्तमान पता, जिस उसका वर्तमान पता क्या है, तो उसका मकान का नंबर, मोहल्ला का नंबर, जनपद मतलब जो है जहाँ है, ये यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर तहसील चूज कर लेंगे, जो जहाँ जहाँ से है। इसके बाद यहाँ ग्राम चूज कर लेंगे, कौन सा ग्राम से। यहाँ मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। इसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ स्थाई पता, और यहाँ आपका स्थाई पता डाल देना है और यहाँ पर उपरोक्त ओके कर देना है। इसके बाद यहाँ देख रहे व्यवसाय का आप जो है इसका व्यवसाय देना है, जैसे सिलाई है, कटाई है, मजदूर है, जो भी है उसका यहाँ पर डिक्लेरेशन दे देना है क्या है। यहाँ देख रहे हैं कि विवरण, परिवार का विवरण आपको यहाँ पर देना है, जो परिवार में कितने सदस्य वगैरह था उसका विवरण आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद देख रहे हैं कि आय निरीक्षण आवेदन की श्रेणियाँ, कि उसका आय निरीक्षण की आवेदन की श्रेणियाँ क्या है, तो उसके लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुशल भूमिहीन मजदूर है, खेतिहार मजदूर है, तो इसका आय कितना है। इसके बाद यहाँ कुशल है या कुशल खेतिहार मजदूर थे, उसका आय कितना है। यहाँ ग्राम का नाम देंगे, क्षेत्रफल और आय के नाम डाल देंगे। पेंशन है तो वो पेंशन डाल देंगे। इसके बाद आयोजना सेवाओं की आय क्या है तो वो डाल देंगे यहाँ पे। और यहाँ पर देख रहे हैं जितना मेंबर डालिएगा उतना मेंबर वो यहाँ पर नीचे आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ 3 मेंबर, ये देखिए ये तीन मेंबर ये हो जाएगा। और जितना मेंबर का आपको भरना होगा तो उस हिसाब से वो मेंबर के यहाँ पर डाल दीजिएगा, तो उस हिसाब से ये इसका आपको ये भरना पड़ेगा। और इसमें जो जितनी इनकम है उसमें से आपको कोई एक नहीं एक आपको देनी ही देनी है। इसमें से आप नीचे चूज कर लेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि परिवार का जहाँ पे कुशल मजदूर है, निजी व्यवसाय मजदूर जिसमें लोहार, बढ़ाई, राजगीर, शिल्पकार, फिरले वाले, मोचे वाले, तो यहाँ बहुत सारे हैं। उस हिसाब से यहाँ पर चूज कर लेंगे और उस हिसाब से आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। इसके बाद देख रहे हैं निजी व्यवसाय में देख रहे हैं कि डॉक्टर, वकील, सर्टिफिकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मध्यम और बड़े व्यवसाय आ जाते हैं। उस हिसाब से आपको यहाँ पर फिल करने के निजी व्यवसाय में क्या आ रहा, तो यहाँ निजी व्यवसाय और कुशल व्यवसाय में क्या आ रहा, तो कुशल व्यवसाय यहाँ से डाल के इसमें से आपको एक चूज करने ही करने होंगे आपको। और उनका इनकम कितना है वो आपको यहाँ पर चूज करके डालना ही डालना है। यहाँ पे आप निजी व्यवसाय चूज कर लेंगे, अगर आप मजदूर है तो आप यहाँ पे अपना इनकम डाल देंगे। और यहाँ पे आप डाल देंगे कि आपके परिवार के कुल इनकम आपकी कितनी है। पहले अगर कोई आपको प्रमाण पत्र मिला है तो हाँ करेंगे, नहीं तो हम नहीं रहने देंगे। और यहाँ पूछ रहा कि अगर आपको शुल्क का भुगतान कर दिए हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो हम नहीं रहने देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एक आधार नंबर डालना है। इसके बाद यहाँ पर आपको
प्रमाण बनवाने के लिए आपको विकल्प चुनना है कि आप किसके लिए बनवा रहे हैं। तो चलिए हम बनवा रहे हैं छात्रवृत्ति के लिए। इसके बाद यहाँ पर आपको चुनना है कि आप फोटो देंगे, प्रमाणित घोषणा पत्र देंगे, राशन कार्ड अन्य। तो चलिए हम फोटो यहाँ से चूज कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ आपको फोटो अपलोड करना पड़ेगा। चलिए यहाँ से जो हम आपका फोटो, तो यहाँ से आप फोटो में जाके यहाँ से आप चूज कर सकते हैं अपना फोटो, और अपना फोटो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। फोटो आने के बाद देखिए फोटो आ गया, यहाँ पर आपको आप अपलोड कर देना है। और अपलोड करने के बाद यहाँ पर देख रहा है कि आपको कुछ जो भी फॉर्मेट है उसे सबको फिलअप करके यहाँ पर अपलोड करना। चलिए इसके बाद यहाँ पर पूरे होने के बाद यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर दर्ज कर, तो आपको सिंपली आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। इसके बाद सबमिट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से ये ओपन होकर आ जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं कि मेरा सब कुछ ओपन हो ओके से फिलअप हो चुका है, और मैं यहाँ फोटो भी अपलोड कर दे, फोटो भी यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद आपको सिंपली करना है दर्ज, करें ओके कर दें। जैसे दर्ज करें पर ओके कीजिएगा तो कुछ इस तरह से ये ओपन होकर आ जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर 100 घोषणा पत्र को मैं अपलोड किया हूँ तो ये नहीं ले रहा है, इसीलिए कि 100 के वे से ज़्यादा इसका नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर देख रहे हैं कि राशन कार्ड की छाया पर्ची या वेतन पर्ची और फोटो आपको तीनों में से चारों में से तीनों में से कोई भी आपको फेव करना पड़ेगा। पहले फोटो स्वप्रमाणित घोषणा पत्र जो आप डाले हुए वो करना पड़ेगा। इसके बाद राशन कार्ड की पर्ची है वो या वेतन पर्ची है तो ये आपको तीन अपलोड इसमें से आपको करना पड़ेगा। तो चलिए हम सिंपली यहाँ पे स्वप्रमाणित पत्र को अपलोड किए हैं तो यहाँ पर नहीं ले रहा क्योंकि 100 के बीच ज़्यादा है। ये आपको ध्यान रहे कि 100 के बीच आपको कम होना चाहिए तभी आपको अपलोड हो पाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए मेरा ये प्रमाणित पत्र ओके हो क्या चुका है। चलिए मैं हमें एक और अपलोड करना है, यहाँ पे हमको वेतन पर्ची अपलोड कर देना है। तो सिंपली आप चूज़ कर लीजिए फाइल और यहाँ अपलोड पर जाके यहाँ पर आप अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर देखिए जो भी यहाँ पर अपलोड किए वो तीनों यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर सिंपली आप दर्ज करके ओके कर देना है। तो जैसे मैं इसको अपलोड कर दिया हूँ देखिए मेरा ये कुछ इस तरह से मेरा ये फॉर्म ओपन होकर आ चुका है। और मैं जो भी अपलोड किया हूँ ये वेतन पर्ची स्वप्रमाणित घोषणा पत्र और फोटो ये तीनों मेरे यहाँ पर अपलोड हो चुके आ चुका है। इसके बाद सबसे पहले वो क्या करना है, दो काम करना है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे, प्रिंट पे क्लिक करके आप ये प्रिंट जो अपने भरे हैं यहाँ प्रिंट पे क्लिक करके आपको प्रिंट करके ये आपको रख लेना है। जो भी यहाँ डेस्कटॉप चूज कर लिए यहाँ पर सिंपली इसको सेव करके रख लीजिए। और दूसरा है आपको यहाँ की सेवा शुल्क का भुगतान यहाँ से करें तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ से जाकर आपको सबमिट पर क्लिक करेंगे, सबमिट पर क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह से ये ओपन होकर आ जाएगा। इससे पहले आप देख रहे हैं कि इंटरनेट बैंकिंग से आपको 5 रुपये कटेंगे और अदर डेबिट कार्ड से अगर कर रहे हैं तो आपको 18 रुपये इसमें से कट हो जाएंगे। इसके बाद ये सबमिट पर ओके करने के बाद यहाँ प्रोसेसिंग स्टार्टिंग है, इसको आपको कुछ नहीं करना है, वेट कीजिएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे कि ये यहाँ पर आपका जो है 10 रुपये का आपका चार्ज कटेंगे, जो आप ये पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें से आपको 10 रुपये का जो इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हैं उसका ये चार्ज है 10 रुपये, आपको अकाउंट में से 10 रुपये कटेंगे। और ये आपका एप्लीकेशन नंबर हो गया है तो इसको आप नोट करके रख सकते हैं, जो आप फॉर्म जो इसको प्रिंट कर रखे हैं उस पर भी होगा आपका, तो उसको नोट करके रखिएगा। और यहाँ देखिए आपका आ गया है कि जब वो पेड करने पड़ेंगे 10 रुपये यहाँ पे पेड करने पड़ेंगे। इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए, इसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसेड विथ पेमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपके देखिए दो कंडीशन आ गया, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग, के लिए हम नेट बैंकिंग का चूज कर लेते हैं। अब जो ही बैंक में नेट बैंकिंग उसको आप चूज कर लीजिए। चलिए हमको स्टेट बैंक में यहाँ से चूज कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ सिंपली आप देखिए स्टेट बैंक का नेम यहाँ पर आ गया है, मेक पेमेंट का ऑप्शन आ गया है, तो सिंपली आप इसको मेक पेमेंट ओके कीजिए। इसके बाद देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे यूजर नाम डालना पड़ेगा और यहाँ पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, लॉगिन कर देना है। तो देखिए इस तरीके से आपका जो है पासवर्ड डाल दिए हैं, इस तरह से आपके अकाउंट से 10 रुपये कट हो जाएंगे। यहाँ वो कन्फर्म कर दीजिएगा, कन्फर्म करने के बाद आप जैसे ही कन्फर्म किए तो आपके अकाउंट से यहाँ पर देख रहे हैं कि अमाउंट जो है इसका चार्ज मिला के आपको जो सर्विस टैक्स है तो वो मिला के आपको 15 रुपये 90 पैसे हो जाएंगे, तो सिंपली यहाँ से आपको कट हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आवेदन की सूची पर क्लिक करके आप दे सकते हैं कि यहाँ पे आप अपने कौन कौन से आवेदन यहाँ पे किए हुए हैं। सो गाइस आपने जाना कि किस तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से आप इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र के लिए कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, या आपको ब्लॉक में भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, या आपको कहीं लंबे लाइन लगा के पैसे खर्च करके आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से आप इनकम सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बहुत ही इजी तरीका से। तो गाइस आपने इस वीडियो में ये सीख ही लिया होगा किस तरीके से आप जो है इनकम सर्टिफिकेट के लिए घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन लैपटॉप से कैसे इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया जाता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।